सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। बिजली और पानी के बिना जीवन जीने की कल्पना भी असंभव है। बीते एक सप्ताह से डाल्टनगंज शहर में विद्युत आपूर्ति बाधित है और इसके साथ विद्युत आपूर्ति नहीं होने की वजह से पानी की सप्लाई में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कई दिनों से पानी की सप्लाई भी नहीं की जा रही है। इस बात से पर झारखंड विकास मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जाकर विद्युत विभाग के जीएम से मुलाकात कर उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि एक सप्ताह में बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं की जाती तो झारखंड विकास मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। एक सप्ताह से जिस तरह से बिजली का कटौती किया जा रहा है, जहां छात्र परेशान हैं, वहीं भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं रमजान के महीने में रोजेदारों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पानी की समस्या भी जिले में विकराल रूप धीरे धीरे पकड़ रही है और विद्युत आपूर्ति नहीं होने की वजह से घरों में पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। झारखंड विकास मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुरारी पांडे ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर यह बताया कि एक सप्ताह में यदि विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है तो झारखंड विकास मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। वहीं विद्युत विभाग के जीएम ने इस मामले पर बताया कि विद्युत आपूर्ति कम होने की वजह से यहां बिजली देने में समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं खराब मौसम और बारिश की वजह से कहीं पेड़ गिर जाने से, कहीं पोल और तार टूट जाने से विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। आज 25 तारीख को हम लोग 10 दिनों से 15 दिनों से त्राहिमाम करते इस पलामू के जनता के लिए बिजली और पानी की जो विधि व्यवस्था है उस पर हम लोग आगे की रणनीति तय करने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं।